जय मां विंध्यवासिनी। दोस्तों, मैं के अग्रहरि सर मिर्जापुर एक्स्ट्रा तैयारी के मिर्जापुर ब्रांच से ऑनलाइन क्लास आपके लिए लेके आए हैं। हमारे यहां ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस शुरू हो चुके हैं, और जैसा कि आपको पता है कि टेट की परीक्षा, यूपी टेट की परीक्षा का जो सीमा रेखा समय बहुत ही पास आ गया है। तो दोस्तों, हमारे यहां ऑफलाइन में थ्योरी चल रही है, लेकिन हम आप लोग के लिए, बच्चों के लिए एक नई चीज लेके आ रहे हैं कि हम क्वेश्चन से आंसर पे आएंगे, क्वेश्चन से थ्योरी पे हम लेके आपको आ रहे हैं, एक क्वेश्चनों पे एक श्रृंखला लेके आ रहे हैं आपके पास, जो कि हमारा आपसे यह विश्वास है मेरा कि अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ते हैं और इन क्वेश्चनों को पढ़ने, जो क्वेश्चन कराया जाएगा, अगर उन क्वेश्चनों को आप करते हो तो निस्संदेह हम आपको टेट के उस दरवाजे, उस मुकाम तक पहुंचा देंगे जिसकी आप उम्मीद करते हो। एक्स्ट्रा तैयारी बच्चों के ऑफलाइन के साथ भी है, ऑनलाइन के साथ भी है। जिन भी दोस्तों को टेट परीक्षा देना दे रहे हैं, इस बार फॉर्म डाल चुके हैं और टाइम बहुत कम है, होपलेस है, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन हल कराऊंगा, जो आपके सिलेबस में, मैं उसी टॉपिक से जितने क्वेश्चन संभावनाएं बन सकती हैं, जो आए हुए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने रखूंगा और उन क्वेश्चनों की मैं व्याख्या भी करूंगा आपको, ताकि थ्योरी भी थोड़ी बहुत जो विस्मृति हो गई होगी या दिमाग पटल से निकल गया होगा, उसको मैं रिकॉल करवाने का प्रयास करूंगा। ठीक, तो आइए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूपी टेट में जो पहली टॉपिक है वो है अभिवृद्धि और विकास। ठीक, तो अभिवृद्धि और विकास से ही हम पहला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ कब से होता है? प्रारंभ होता है, मतलब मानव विकास का प्रारंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन आपका है ए पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन सी शैशवावस्था और ऑप्शन डी गर्भावस्था। और ये दोस्तों, ये यूपी टेट 2020 का क्वेश्चन है। हम आपको ये भी बताएंगे कि वो क्वेश्चन किस सन में आए हुए हैं, या ये भी बताएंगे कि जो संभावित क्वेश्चन है हम उस पर भी चर्चाएं करेंगे। दोस्तों, तो अब देखिए, जो भी ऑनलाइन हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, वो इसका क्वेश्चन टाइप करें। हम देखना चाहते हैं कितने लोगों को यह क्वेश्चन हमारे पास सही आंसर आता है। ठीक, हाँ ठीक ठीक, हाँ ओके, हाँ सुमित जी, हाँ मीनाक्षी, मीनाक्षी राइट, नहीं अनुपम जी थोड़ी सी गड़बड़ आप कर रहे हो, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आंसर बढ़िया आ रहा है, बहुत बढ़िया, आप लोग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे रहे हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, मानव विकास का प्रारंभ होता है, आंसर आपका आ रहा है गर्भावस्था। देखिए, गर्भावस्था कह सकते हैं मानव विकास की पांच अवस्थाएं होती हैं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। लेकिन चूंकि हम बाल मानव विकास की बात कर रहे हैं, बाल विकास की बात कर रहे हैं, तो बाल विकास में हम अध्ययन तो तीन अवस्थाओं का करते हैं, चूंकि लेकिन यह क्वेश्चन आया है मानव विकास के प्रारंभ से आया है, तो हमको यह देखना है कि मानव का विकास कब से शुरू होता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि मानव का विकास तभी से शुरू हो जाता है जब बालक अपनी मां के गर्भ में पहला बीजारोपण होता है। मां के गर्भ में उसका बालक, मनुष्य का या बालक का पहला बीजारोपण जो होता है, वहीं से कह सकते हैं मानव का विकास प्रारंभ हो जाता है। और इस हिसाब से जो ऑप्शन क्या होगा, गर्भावस्था होगा। शैशवावस्था, आपको यह पता है कि गर्भावस्था जन्म पूर्व अवस्था कही जाती है, जन्म पूर्व अवस्था कही जाती है, मतलब जन्म के पहले की अवस्था है यह गर्भावस्था, जबकि
शैशवावस्था को जन्म से लेकर 6 वर्ष, 5 या 6 वर्ष की अवस्था मानी गई है। बाल्यावस्था को 6 से लेकर 12 वर्ष तक मानी गई है, 6 से 12। और अब देखिए यहां पे एक दिक्कत है कि पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। वैसे तो देखा जाए कि बाल्यावस्था का पूरा सेशन काल 6 से 12 होता है, लेकिन हरलाल महोदय ने इसका जो डिवीजन किया है, उन्होंने 2 वर्ष से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष को उन्होंने पूर्व बाल्यावस्था किया और 6 से लेकर 12 को वो उत्तर बाल्यावस्था हरलाल महोदय मानती है। और वैसे संदर्भ देखा जाए तो पूर्व बाल्यावस्था 3 से लेकर 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष माना जा सकता है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको, बस ये ध्यान देना है कि कौन सी अवस्था की विशेषताएं क्या होती है, क्या चीजें होती है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि इनके आगे का चरण क्या होगा। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चर्चा करते हैं।